दोस्तों, जिंदगी का नजरिया खुद पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। जी हाँ, बहुत कुछ। आज ऐसा ही हुआ, शाम हुई, शाम से और थोड़ी सी रात हो गई। जी, रात थोड़ी सी गहरा गई, शाम को ही लाइट चली गई थी। बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे घर में अब घुट करके रहना कम पसंद आ रहा हो। जी हाँ, किसे पसंद आता है इस तरह से घुट करके रहना। और ये देखिए, हम तो आ गए छत पर। जी हाँ, जहाँ थोड़ी सी रोशनी है। इसी अंधकार में रोशनी ढूंढने की तो कुछ कोशिश जिंदगी की होती है। आज जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, उजास कहीं नजर ही नहीं आ रही। जी बिल्कुल, कहने के लिए सभी चमक रहे हैं कुछ इस तरह से, बड़े खुश नजर आते हैं, लेकिन दुख सबकी झोलियों के अंदर है। जी हाँ, कहीं भी खुशी है ही नहीं। ऐसा लगता है कई बार जब कोई करीब आता है तो कि खुशियाँ सभी की गायब हुई हैं। जी हाँ, बाहर से चाय चमकते हुए नजर आ जाए कोहिनूर की तरह है, लेकिन अंदर की खुशी है ही नहीं, बिल्कुल इस अंधेरे की तरह है। जी लेकिन ऐसा नहीं है, जिंदगी के अंदर कुछ एक सच्चाइयाँ हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कि हम अंधेरे को देख करके कुछ मौका निकाल करके यहाँ चले आए, तो ऐसे अद्भुत दृश्य भी तो इसी प्रकृति के अंदर है जो आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए, पेड़ के पीछे से लाइट में लाइट का पड़ा हुआ रिफ्लेक्शन कितना आकर्षक और मनमोहक है। इतने अंधेरे के अंदर कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मन करता है थोड़ी देर ठहर जाए। जी हाँ, वैसे मेरे शहर में कम ही जाती है लाइट, और इसी वजह से सभी के लगे हुए इन्वर्टर जो पहले लगा लिए थे पड़ गए हैं ठप, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस भी तो करनी होती है, महंगी पड़ती है। जी दोस्तों, सभी के घरों में इस वीआईपी कॉलोनी के अंदर इन्वर्टर्स हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रूरत ना होने के कारण जब कभी लाइट चली जाती है तो लगभग ऐसा नज़ारा होता है जो आज आपको मैंने शेयर किया। और प्रकृति के इन अद्भुत दृश्यों को दिखाने के साथ साथ में ये देखिए, चांद हमारा साक्षी है, कितना सुंदर लग रहा है ना। थोड़ी देर रुक जाती हूँ इस चंद्रमा को आपको दिखाने के लिए। सचमुच कितना अद्भुत है, इसमें भी कोई एक स्पंदन है, एक धड़कन है। देखिए कितना अच्छा, कितना आकर्षक लग रहा है। जी हाँ, तो मैं कह रही थी कि कभी कभी क्या इनफॉर्मल होकर के भी बात करनी पड़ती है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इस अंधेरे के अंदर हमें कुछ रोशनी ढूंढनी चाहिए। जी दोस्तों, चाहे जीवन में कितना ही कष्ट हो, दुख हो, दर्द हो, आज ऐसा तो है नहीं कि हम सतयुग में रह रहे हैं और चारों तरफ अच्छा ही अच्छा है, बल्कि ये कहिए कि जहाँ अच्छा दिखता है वहाँ भी अच्छा है नहीं। तो बस हमें थोड़ा सा अपने मन को संभालना है, अपने दिल को थामना है, और ईशा अंधेरे से निकल करके थोड़ा सा अपने जीवन में जो अच्छा घटित हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है। और जब हम ध्यान देने लगते हैं उस रोशनी की तरफ, उस उजास की तरफ, तो बड़ा ही आकर्षक नज़ारा भी हमें दिखाई देता है। आप कह रहे होंगे, जब जब आपने ये दृश्य देखे होंगे, कुछ एक मेरी तरह होंगे, कुछ कुछ पगलाए हुए, तो उनको निश्चित तौर पर ये वीडियो अच्छी लगेगी और कुछ सीखने सिखाने के लिए भी मिलेगा। और कुछ कहेंगे कि ना कोई चित्र है ना कुछ और, लेकिन हाँ, उनके लिए भी ये मैसेज ज़रूर है कि वो ये बात समझें और अपनी लाइफ के अंदर सोचें कि हाँ, चारों तरफ चाहे कितना ही कह दें हम कि दुख है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं झांकता हुआ प्रकाश है, सुख है, आनंद है, खुशी है। बस ज़रूरत है उसे थोड़ा सा अपनाने की, उन अच्छाइयों को थोड़ा सा स्वीकारने की। हम होता क्या है कि दूसरों की केवल आलोचना ही आलोचना करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, दूसरों के अंदर हमें कमियाँ ही कमियाँ नज़र आती हैं। तो दोस्तों, उस कमी से थोड़ा
सा उभरिए और इस तरह जहाँ थोड़ी सी बुराई के अंदर भी अच्छाई है उसे आप स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ ऐसे शाह अंधेरे में बनाए हुए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जी। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने जीवन में, यदि भगवान ना करे कि किसी के अंधेरा छाया हो लेकिन कहीं अंधेरा भी है, तो उसे भी आप प्रकाश के उसमें भी आप प्रकाश ढूंढने की कोशिश कीजिए दोस्तों, प्रकाश नज़र आने लगेगा। मैंने तो कुछ कर दी है ऐसी ही शुरुआत। जय हिंद, जय भारत।